नींबू पानी एक ऐसा ड्रिंक है जिसे शायद हम इंडिया में रहने वाले किसी ने भी ऐसा नहीं होगा जो कभी ना पिया हो। क्या ये एसिडिक है, क्या ये अल्कलाइन है, क्या ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, क्या हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, ये चीज़ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज तक नींबू पानी पिया तो सबने होगा, पर वो बेनिफिशियल है या नहीं, एक्चुअल में वो फ़ायदा करता भी है या नहीं, नुकसान तो दायक तो नहीं है, ये शायद ही हमने कभी सोचा होगा। प्रॉब्ली ये ऐसी चीज़ है जो कई बार हमारे ध्यान से निकल जाती है, हम सोचते ही नहीं है कि यार ये हम जो हम पी रहे हैं वो ड्रिंक बॉडी में जाके क्या कर रहा है। हमें ऐसा लगता है नेचुरल है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा यार, बॉडी में जाके कुछ फ़ायदा ही कर रहा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। तो आज उस चीज़ को बात करेंगे कि नींबू पानी एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है, और इसमें क्या विरोधाभास है उस पर भी बात करेंगे, और बॉडी में एक्चुअल में फ़ायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है उस पर भी बात करेंगे। बेसिकली पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में या कोई भी वाटर में देखा जाता है, नॉर्मल न्यूट्रल पीएच 7 होता है। 7 से जितना कम पीएच होता है उतना ज़्यादा एसिडिक कंटेंट होता है, जितना ज़्यादा पीएच होता है उतना ज़्यादा अल्कलाइन होता है। हर नंबर डिजिट जो बढ़ता है पीएच लेवल्स में 10 गुना आयंस का फर्क पड़ता है, यानी पीएच किसी का 7 से 6 होगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उसमें 10 गुना ज़्यादा होगा, 6 से 5 हो जाएगा तो 100 गुना फर्क हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा तो वो 1000 गुना हो जाएगा, यानी 10 टाइम्स बढ़ते जाता है हर पीएच लेवल्स जो ड्रॉप होता है या बढ़ता है हाइड्रोजन आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन। अब नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं वो 7 पीएच का होता है, अल्कलाइन वाटर जो बोला जाता है हेल्थ के लिए अच्छा है, उसकी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है, उसका पीएच होता है 8 या 9। नींबू पानी का पीएच होता है 2 या 3, यानी कि ये 10,000 गुना से 1,00,000 गुना नॉर्मल पानी से ज़्यादा एसिडिक है। तो अब इतना एसिडिक पानी अच्छा है, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि भाई नहीं अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि नींबू पानी हम पी रहे हैं और रोज़ पी रहे हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हम वजन कम करने के लिए भी रिकमेंड करते हैं नींबू पानी पीना चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अल्कलाइन डाइट और अल्कलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में माना जाता है कि वो बॉडी के लिए अच्छे हैं, बोन के कैल्सिफिकेशन वगैरह को भी मेंटेन करते हैं। एसिडिक फूड्स बॉडी के लिए थोड़े कम खराब माने जाते हैं। एसिडिक फूड्स कौन कौन से, जैसे कि मीट है, डेयरी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है यानी चिकन वगैरह, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स है, अल्कोहल है, ये एसिडिक प्रोडक्ट्स है। न्यूट्रल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नेचुरल फैट्स, स्टार्च और शुगर, ये पीएच लेवल्स न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास होता है। और अल्कलाइन प्रोडक्ट्स कौन से, फ्रूट्स, नट्स, दाल, सब्जी, लेग्यूम प्रोडक्ट्स जो है ये कंपेरेटिवली अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन रहने में मदद करता है, जितना ज़्यादा अगर एसिडिक कंटेंट होगा तो हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है ऐसा माना जाता है, और अल्कलाइन कंटेंट बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, तो इसलिए अल्कलाइन वाटर थोड़ा बहुत रिकमेंडेड है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एसिडिक, और जितना ज़्यादा एसिडिक कंटेंट होता है उतना वो एसिडिटी को भी बढ़ाएगा। तो अल्कलाइन वाटर को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, लेकिन फिर भी नींबू पानी क्या बेनिफिशियल है जबकि वो 10,000 से 1,00,000 गुना ज़्यादा एसिडिक है। अब इसमें एक विरोधाभास है, बेसिकली नींबू पानी वैसे तो एसिडिक है लेकिन बॉडी पे उसका इफेक्ट अल्कलाइन है। अब ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है, बॉडी में कोई भी चीज़ का पीएच जो है वो इस बात से डिपेंड करता है कि वो ब्लड में या बॉडी में जाके डाइजेस्ट होने के बाद कैसे प्रोडक्ट्स बनाता है उस पर डिपेंड करता है। पेट में जब वो एंट्री होता है तब उसका पीएच कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो ब्लड में जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कितने अल्कलाइन है उस पर या एसिडिक है उसको एनालिसिस करते हैं। एक ऐश एनालिसिस होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट को हम लेबोरेटरी में जलाते हैं, उसको उसका राख बनाते हैं, उसको राख के पीएच को असेस करते हैं, उसको ऐश एनालिसिस बोलते हैं। और एक इससे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है जिसे पोटेंशियल रीनल एसिड लोड यानी प्रैल बोलते हैं। जितना ज़्यादा नेगेटिव प्रैल होता है उतना ज़्यादा वो एसिडिक कंटेंट होता है, जितना नेगेटिव प्रैल होता है उतना ज़्यादा उसको नेगेटिव वो बोलते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं। जितना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लेते हैं वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहता है, जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़्यादा रहता है, और ये बॉडी में अल्कलाइन काम करते हैं। नींबू पानी का भी यही है कि जब ये बायो प्रोडक्ट्स इसके बॉडी में चले जाते हैं और उसका जो ऐश बनता है या इसका जो बॉडी में मेटाबोलाइज होकर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अल्कलाइन है, उनका नेगेटिव प्रैल स्कोर है। इसीलिए लेमन जूस को माना जाता है कि भले उसका पीएच डाइजेशन से पहले कम है और वो एसिडिक है, डाइजेस्ट होने के बाद वो अल्कलाइन बन जाता है, इसलिए वो नुकसानदायक नहीं है। हालांकि ब्लड पे पीएच में उसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, माना जाता है कि लगभग 8 किलो ऑरेंज अगर आपको एक सिटिंग में खाना पड़ेगा तो आपका ब्लड का पीएच 0.2 खाली वेरिएशन करेगा। तो इतना ज़्यादा बॉडी का अच्छा सिस्टम है कंट्रोल करने का, जरा भी एसिडिक तत्व आता है किडनी से तुरंत बाहर फेंक दिया जाता है, ज़रा भी अल्कलाइन आता है किडनी
हाइड्रोजन आयन्स को किडनी रिटेन कर ले तो बॉडी को तुरंत न्यूट्रलाइज करती है। इसलिए यूरिन में एसिड अल्कलाइन तुरंत चेंज हो जाएगा। आपने थोड़ा भी मीट खाया, चिकन खाया वगैरह खाया तो तुरंत यूरिन आपका एसिडिक हो जाएगा। साग सब्जी वगैरह खाया तो तुरंत यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा। ब्लड का पीएच में इतना वेरिएशन नहीं होगा, और मैटर यूरिन का पीएच नहीं करता है, ब्लड पीएच ज़्यादा मैटर करता है बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स होगा उसको डिसाइड करने में, या बॉडी में वो जाके चीज़ फायदा करेगी या नुकसान करेगी ये देखने में। ब्लड का पीएच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिन के पीएच के कंपैरिजन में। इसीलिए नींबू पानी नुकसान नहीं करता, इसके कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। ये अल्कलाइन कोई भी तत्व जो बॉडी में होता है, अब ऑब्वियसली नींबू पानी बॉडी में जाके अल्कलाइन बन जाता है तो वो बोन लॉस को प्रिवेंट करता है, कैंसर को कम करता है। किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स भी अगर अल्कलाइन प्रोडक्ट्स लेते हैं तो बॉडी में जो उनको प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करने को बोला जाता है किडनी वाले पेशेंट को, ताकि उनका बॉडी में एक्सेसिव प्रोटीन रिलेटेड किडनी डैमेज नहीं हो, वो भी अगर वो अल्कलाइन तत्व ले रहे हैं तो उतना रिस्ट्रिक्शन करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और किडनी में पथरी का चांस भी कंपेरेटिवली कम हो जाता है अगर वो अल्कलाइन प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं तो। इसके अलावा नींबू पानी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, हाई डोज विटामिन सी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, बॉडी की सारी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ऑन एन एवरेज 30 ml अगर हम नींबू पानी लेते हैं या नींबू का जूस लेते हैं तो वो बॉडी की विटामिन सी की दिन भर की रिक्वायरमेंट को 13% का अचीव करता है, और इसमें थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी रहता है जो कि हार्ट डिजीज, वेसल इन्फ्लेमेशन और सारे प्लाक के अक्यूमुलेशन को कंपेरेटिवली कम करता है। तो इसीलिए नींबू पानी भले बॉडी में एंटर होने से पहले बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद वो अल्कलाइन होता है, तो इसलिए वो बॉडी को उतना नुकसान नहीं करता, हड्डी को गलाता नहीं है, आपकी एसिडिटी बहुत बढ़ाता नहीं है, और बॉडी के कैंसर वगैरह को कम करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को भी कंपेरेटिवली कम करता है, वजन कम करने में भी मदद करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा है जो कि बॉडी में फ़ायदा करता है, विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन जो आप लेते हो उसको भी पचाने में अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो इसीलिए नींबू पानी के बारे में ये कॉन्ट्रोवर्सी है, लोगों ने आज तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होता कि नींबू पानी फ़ायदा करता है या नुकसान करता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि भले वो बहुत ज़्यादा एसिडिक पदार्थ है और शायद नुकसान कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में अल्कलाइन होने की वजह से उतना नुकसानदायक नहीं है, रादर उसके जो तत्व हैं बॉडी में फ़ायदा ही करता है। आप इसको अगर ज़्यादा मात्रा में भी ले रहे हैं, इवन एसिडिटी वाले पेशेंट भी अगर इसको ले रहे हैं तो नुकसानदायक नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने एक अनयूजुअल टॉपिक के बारे में बात की, नींबू पानी के बारे में, जो कि पीते सब है, जानता उसके बारे में कोई नहीं है, डिस्कस उसके बारे में कोई नहीं करता, सोचता उसके बारे में कोई नहीं है। तो आज मैंने आपको ये डिस्कशन करके शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर किया कि ये एक्चुअल में फ़ायदा करता है नहीं, पी सकते हैं फ़ायदा ही करता है, लेकिन हाँ सोचना या जानना ज़रूरी कि हम जो ले रहे हैं वो एक्चुअल में अच्छा भी है कि नहीं है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है, डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चाहते, तो उनके लिए रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स का 1 मिनट में ब्रीफ समरी में आपको देते हैं, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और ये सारे ही कंटेंट हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। और हमारे चैनल पर बहुत सारे लॉन्ग वीडियोज़ में आपके मतलब के कौन से टॉपिक्स हैं वो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप उन्हें क्लिक करेंगे तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। वहाँ जाने से आपको बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपके मतलब के टॉपिक्स मिलेंगे और आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, उनसे ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा, और बहुत सारे हज़ारों टॉपिक्स में ढूंढने की मात्र बच्ची नहीं करनी पड़ेगी।